पब्लिक टीवी आपकी आवाज। विश्व जागृति मिशन के तत्वावधान में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 5 अगस्त से शुरू होगा और 7 अगस्त तक चलेगा। इस अवसर पर दिव्यलोक आश्रम की प्रधान शोभा अग्रवाल के द्वारा बताया गया कि 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 51 घंटे का अखंड पंचाक्षर मंत्र का जाप किया जाएगा और 7 अगस्त की सुबह को अखंड पाठ को विश्राम दिया जाएगा। इस अवसर पर शोभा अग्रवाल ने बताया कि 7 अगस्त को श्रावण मास के शुभ अवसर पर परम आराध्य महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाकर सामूहिक रुद्राभिषेक किया जाएगा। शोभा अग्रवाल ने शहर के लोगों से अपील की है कि कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोग आकर धर्म लाभ कमाएं। कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, पहले तो पार्थिव शिवलिंग पूजन रुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है दिव्यलोक आश्रम 18 अगस्त पर 7 तारीख को, 7 अगस्त को सुबह 10 बजे से लेकर के प्रारंभ हुआ है कार्यक्रम। इसके पूर्व 5 तारीख सुबह 8 बजे से 51 घंटे का अखंड शिव पंचाक्षर मंत्र जाप का आयोजन किया जा रहा है। यही हमारे लिए मुख्य कार्यक्रम है। हम सभी नगरवासियों से, धर्म प्रेमियों से, श्रद्धालुओं से ये अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम में अवश्य सम्मिलित हों। आराधना का शिव मास में बहुत अधिक महत्व है और इस को ध्यान में रखते हुए इसके लिए हमें ज़्यादा अतिशोक्ति कहने की जरूरत ही नहीं है। आप सभी लोग श्रद्धालु नगरवासी सभी जानते हैं इस विषय में। आप सब लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अवश्य आएँ, इसको देखें और इस कार्यक्रम को सम्मिलित होकर के पुण्य लाभ अर्जित करें। इन 3 दिनों में किस किस तरह के कार्यक्रम होंगे? इन 3 दिनों में 5 तारीख को सुबह 7 बजे से सुबह 8 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसमें पंचाक्षर मंत्र जाप शुरू होगा, अखंड पंचाक्षर मंत्र जाप 51 घंटे का, जो रात और दिन चलेगा। 5 तारीख को भी होगा, 6 तारीख को भी होगा रात और दिन, और फिर बाद में 7 तारीख को रात 10 बजे तक 11 बजे तक चलने के बाद फिर बाद में पार्थिव शिवलिंग बनाए जाएंगे, उनका अभिषेक किया जाएगा योग्य विद्वान पंडितों द्वारा। उसके बाद भंडारे का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। ये महाराज जी की प्रेरणा से हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। सुधांशु जी महाराज की प्रेरणा से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें सुधांशु जी महाराज जी का आशीर्वाद ही प्राप्त होगा 7 तारीख को दोपहर 12 बजे। इसमें सभी सामान आश्रम पर ही आपको कार्यालय से प्राप्त होगा। इसमें अपने साथ में आपको कोई भी सामान लाने की आवश्यकता नहीं है। हर तरह का सामान इसमें वहाँ पर मिलेगा। बावी की मिट्टी मंगवाई गई है और 108 तरह के पूजा के सामग्री इकट्ठी की गई है। हर तरह के पत्र, पुष्प, जितना भी पूजा का सामान होता है सब इकट्ठा किया जा रहा है। सब तरह के अभिषेक के लिए सब तरह के जल इकट्ठे किए जा रहे हैं। समुद्र के जल, नदियों के जल, गंगा जल, हर तरह के जल इकट्ठे किए जा रहे हैं, उन्हीं से अभिषेक किया जाएगा। यही एक आरक्षण का विषय है। आप सभी लोग आइए और आकर के इसमें धर्म लाभ अवश्य कमाइए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।